धनबाद के कारोबारी से रंगदारी मांगने और साजिश रचने के आरोप में न्यूज 11 चैनल के मालिक अरूप चैटर्जी को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद पुलिस की विशेष टीम ने रांची स्थित चांदनी चौक के आवास में धाबा बोलकर अरूप चैटर्जी को धर दबोचा। आरोप है कि न्यूज 11 चैनल का ध्वज दिखाकर अरूप धनबाद के व्यापारियों से लगातार रंगदारी के तौर पर पैसों की डिमांड कर रहा था। बताया जाता है कि भयादोहन के इरादे से अरूप चैटर्जी ने अपने चैनल का हवाला देते हुए धनबाद के कारोबारियों से मोटी रकम की मांग की थी। कारोबारी ने पूरे मामले की शिकायत धनबाद पुलिस से की थी। बताया जाता है कि एसएसपी संजीव कुमार के निर्देशन पर डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 30 तर्रार अफसरों की टीम गठित की गई। टीम ने रांची जाकर कार्रवाई को अंजाम दिया और न्यूज 11 के मालिक अरूप चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। धनबाद के एक कारोबारी ने पैसा उगाही का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में अदालत ने अरूप चैटर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। गिरफ्तारी के बाद अरूप चैटर्जी को धनबाद ले जाया गया या फिलहाल उन्हें रांची में रखा गया, इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। जानकारी के मुताबिक वारंट जारी होने के बाद धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने डीएसपी अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। पुलिस की टीम शनिवार की देर रात अरूप चैटर्जी के चांदनी चौक स्थित अपार्टमेंट पहुंची। धनबाद पुलिस की टीम ने गोंदा थाना पुलिस की मदद से अपार्टमेंट में छापेमारी कर अरूप चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। धनबाद के गोविंदपुर थाने में बीते 27 जून को अरूप चैटर्जी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ने केस दर्ज करते हुए कहा था कि अरूप चैटर्जी ने अपने रिपोर्टर के माध्यम से ब्लैकमेल कर 11 लाख रुपए की मांग की थी। पैसा लेने के बाद भी झूठी खबर चलाई और फिर अधिक पैसे की मांग की गई, नहीं देने पर बर्बाद करने की चेतावनी भी दी गई थी। हालांकि इस मामले पर पुलिस की ओर से मीडिया को किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। वहीं न्यूज 11 की तरफ से भी किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऑनलाइन पत्रकारिता में रिपोर्ट सामने आई है। वहीं एक अखबार का पेपर कटिंग तेजी से वायरल हुआ है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पुलिस अरूप चैटर्जी को कहां ले गई है। एक न्यूज चैनल के मालिक को जिस तरह पुलिस घर पहुंचकर कार्रवाई की और अरेस्ट कर लिया, हर कोई वजह को पूरी तरह जानना चाहता है। मामले को लेकर जैसे ही आगे की खबर मिलती है अपडेट किया जाएगा।